वेलकम ऑल ऑफ यू इन एस एस टी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। दिस इज एस एस टी एजुपेडिया। आई एम मिस्टर सुधाकर पाटिल। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द पोयम द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमन। वहाँ पे हमने पढ़ा कि वो पोयम बेसिकली अबाउट अ पोएट स्पीक्स अबाउट हिज ओन सेल्फ रियलाइजेशन, अबाउट हिज फ्री विल, about his own life there. Today, we are going to learn poetic devices and poetic appreciation from this poem. So let us see poetic devices and appreciation from this poem. In the poem, the song of the open road, poet used a different types of poetic devices. Number one is their alliteration. First of all, you must understand what is the alliteration. When in a sentence there is a repetition of the beginning sound of neighboring words, it is the use of alliteration. Agar koi sentence mein beginning mein sound ka repetition hota hai to tabhi figure of speech jo hota hai wo hota hai alliteration. For example, in this poem, the long brown path before me, leading wherever I choose. This is a sentence is there. In this sentence, the sound of consonant letter B is repeated in the given line for musical effect in the given line. Jo sentence diya hua hai, the long brown path before me, leading wherever I choose. Is sentence mein jo B sound hai, jo consonant hai, वो दो बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट वर्ड ब्राउन और सेकंड वर्ड वहां पे दिया है बिफोर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। अगर कोई सेंटेंस में साउंड बिगिनिंग में रिपीट होता है तो एग्जांपल होता है एलिटरेशन। सेकंड एग्जांपल इज देयर, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स लाइब्रेरीज क्वेरेलस क्रिटिसिजम। इन दिस सेंटेंस कॉन्सोनेंट क इज रिपीटेड two times. Done with indoor complaints, there is a complaint, k sound is repeated there, library's querulous criticism. So this sentence mein bhi jo k consonant se wo do bar repeat hua hai, so there is a alliteration is there. Second figure of speech is there, repetition. There is a difference between the alliteration and repetition. एलिट्रेशन में साउंड का वहां पे रिपीटेशन होता है, लेकिन यहां पर व्हेन इन अ सेंटेंस सेम वर्ड्स, यहां पर कहा गया सेम वर्ड्स आर रिपीटेड, इट इज द यूज ऑफ रिपीटेशन। अगर कोई सेंटेंस में सेम वर्ड्स अगर रिपीट होता है तो एग्जांपल होता है रिपीटेशन का। फॉर एग्जांपल, हेंसफोर्थ आई आस्क नॉट फॉर गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। इस सेंटेंस में जो जो वर्ड है गुड फॉर्चून वो दो बार रिपीट हुआ है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिपीटेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन। आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी। इन दिस सेंटेंस द वर्ड आई कैरी आर रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट इन द पोयम। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिपीटेशन इन द पोयम The song of the open road. Next one is their inversion. When in a sentence words are not in a correct prose order, subject plus verb plus object, it is the use of inversion. Agar koi sentence ka structure jo structure diya hota hai, subject plus verb plus object, iski anusar agar nahi hota hai तो एग्जाम्पल होता है इन्वर्जन का। इन दिस पोयम द पोएट यूज सम एग्जाम्पल्स देयर लाइक अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन आई ट्रैवल द ओपन रोड। व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस आर देयर, द सेंटेंसेस आर नॉट गिवन अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर। जो सेंटेंस दिए, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर पोएट ने जो
वर्ड ऑर्डर होता है, जो सेंटेंस ऑर्डर होता है, यहां पर उन्होंने यूज नहीं किया है। द करेक्ट ऑर्डर इज देयर, आई टेक टू द ओपन रोड अ फूट एंड लाइट हार्टेड। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर एज पर द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन सेकेंड सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड। द करेक्ट ऑर्डर इज देयर, आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। तो इन दिस पोएम द पोएट यूजेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देयर। समटाइम्स ही अवॉइड द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। दैट एग्जाम्पल इज देयर इनवर्जन। नेक्स्ट वन इज देयर मेटाफर। वेन एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन इज मेड इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहां पर कंपेरिजन है लेकिन वो इनडायरेक्ट है। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन अ कॉमन। दोनों में यहां पर कंपेरिजन है, दो ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन उन दोनों में एक पॉइंट कॉमन होता है। इट इज द यूज ऑफ मेटाफर। देर इज द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक देर इज, इट इज द यूज ऑफ मेटाफर। देर इज नो यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एज। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम लाइक और एज ये दोनों वर्ड्स का उसमें यूज नहीं करते हैं। देर इज अ इनडायरेक्ट कंपेरिजन इज देर। फॉर एग्जाम्पल, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। दिस इज द फर्स्ट लाइन इज देर। द एक्सप्लेनेशन इज देर। देर इज अ इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द रोड टू ट्रेवल एंड द वे ऑफ लाइफ। यहां पर राइटर ने कंपेरिजन किया है रोड और जो वे ऑफ लाइफ है, दोनों में इनडायरेक्ट कंपेरिजन किया है। देर इज अ वन कॉमन थिंग इज देर, ट्रेवलिंग इज अ कॉमन थिंग इज देर। सो देर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज देर मेटाफर। नेक्स्ट वन इज देर पैराडॉक्स। वेन इन अ सेंटेंस सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, एक विरोधाभास होता है सेंटेंस में। When in a sentence self-contradictory statements are made, it is the use of paradox. For example, still here I carry my old delicious burden. यहाँ पर राइटर ने जो वर्ड यूज किया है delicious और burden, इधर ये contradictory words are there. एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स यूज किए लेकिन वो दोनों contradictory, एक विरुद्ध उसमें एक विरोधाभास शब्द उसमें यूज किया है। बर्डन कैन नॉट बी डिलीशियस। अगर बर्डन है तो डिलीशियस किस तरह से कैसे हो सकता है? अ बर्डन कैन नॉट बी डिलीशियस। द पोएट हैज यूज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट ही हैज मेनी स्वीट मेमोरीज ऑफ द पीपल एंड द प्लेसेस विच ही वुड लाइक टू रिमेंबर फॉर एवर। दिस इज द कन्वेड थ्रू अ सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशन डिलीशियस बर्डन। राइटर में एक ही सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इसमें यूज किए है, डिलीशियस बर्डन। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स। नेक्स्ट वन इज अ फ्री वर्स। अब दिस पोएम इज बेसिकली इन अ फ्री वर्स देयर। व्हाट इज द फ्री वर्स? इट इज अ लिटररी डिवाइस दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। यहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। राइटर अपने हिसाब से, अपने मन से कोई भी वर्ड्स इसमें यूज कर सकता है। There is a specific pattern is there of regular meter or rhythm with fixed form and still it provides an artistic expression. वहाँ पर कोई limitation नहीं है meter का, rhythm का। A poet can use own words there, he can use own sentences there. So this is the free verse. In this way, the poet can give his own shape to a poem as he desires and can use various poetic devices to create a poetic effect. Free verse में क्या होता है? जो poet होता है अपने मन के हिसाब से, अपने skill के हिसाब से वहाँ पर structure use करता है, words उसमें use करता है, और he try to complete that poem. Students, let us see a poetic appreciation from this poem. Exam में आपको इस पर आपको question आपको आ सकता है। There are some points are there. What are the poetic appreciations are there? First one is there about the poem. The poem Song of the Open Road is taken from Leaves of Grass by Walt Whitman. It is beautiful blend of human feelings. It is enlighten us with the poet's
सेल्फ रियलाइजेशंस अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ। ये जो पोएम है इट्स रिटन बाय वॉल्ट विटमन। दिस इज द ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशंस, ह्यूमन फीलिंग्स एंड द जर्नी ऑफ लाइफ। सेकेंड वन इज देयर अबाउट द पोएट। वॉल्ट विटमन एंड अमेरिकन पोएट इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। द टाइटल ऑफ द पोएम इज सिग्निफिकेंट एंड एप्ट। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी। मोबिलिटी यहाँ पर वी कैन कॉल इट ए फ्रीडम। द थीम, वट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? द पोएम इज अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग स्टैग्नेट्स द लाइफ। जो थीम है राइटर ने, जो पोएट ने जो यूज किया है, इट इज अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस, अबाउट द फ्री विल। उसे जहां पर जाना है वो आप यू कैन सिलेक्ट योर ओन वे देयर। ही वॉन्ट टू स्टे वन प्लेस देयर। ही वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ही वॉन्ट टू टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम द लाइफ देयर। लेट अस सी अबाउट द लैंग्वेज। द पोएम इज अ फ्री वर्स। द पोएट डज नॉट यूज एनी पैटर्न हेयर। सो इट इज अ फ्री वर्स। इट हैज नो रेगुलर राइम एंड रिदम। इट हैज यूनिक अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड लाइन्स। 3 to 5 लाइन्स टूगेदर मेक मीनिंग कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर राइटर ने कौन सा भी ऐसे पैटर्न उसमें यूज किया नहीं है। देर इज अ स्पेसिफिक रिदम एंड पैटर्न इज देयर। पोएटिक डिवाइसेस। द पोएम इज इनरिच्ड विद द पोएटिक डिवाइसेस सच एज मेटाफर, एलिटरेशन, रिपीटेशन एंड पैराडॉक्स। दीज पोएटिक डिवाइसेस एड म्यूजिकल एंड पिक्टोरल इफेक्ट। इस पोएम में पोएट ने जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए वो है एलिटरेशन, रिपीटेशन, पैराडॉक्स एंड मेटाफर। वॉट आर द मैसेज और वॉट इज द मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? Message, values or morals in the poem. People should take the road as a point to start over towards something new. The journey of life should be mobile and always on the road to move on. Writer ne yahan par jo message diya hai, in life we have to start our own journey. We have to not depend on our luck, our relatives, because we are the own, the creation of our own life. So in this way, we learn this poem, we learn some figure of speeches from this poem, we learn the poetic appreciation from this poem. Thank you to all of you.